वो फॉरेस्ट 1 3D5 है कि फॉरेस्ट 2 3D5 है, तो इसमें दोनों स्टेबल है, इसमें एक ही स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन फॉरेस्ट से निकलना है तो इसका ज्यादा होगा, बट एक निकल गया, एक निकल गया, उसके बाद फॉरेस्ट 0 3D5 हो गया। Mn की बात करो, फॉरेस्ट 1 3D5, तो IE1 का ऑर्डर मैंने ये लिखा था। अब IE2 का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन D5 से निकल नहीं सकता, यहाँ पे S1 से निकलेगा तो इजी होगा, तो इसका ज्यादा होगा। चलो अब सेकंड किसका, थर्ड किसका ज्यादा होगा, MN का यस, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको D5 से निकालना पड़ेगा, और इसमें से D4 से, तो D5 स्टेबल है। तो फर्स्ट CR का काम है, सेकेंड MN का काम है, और थर्ड अगेन CR का काम है। स्क्रीनशॉट ले लो। डन। चलो कॉपर और जिंक 3D10 4S1, 3D10 4S2, फर्स्ट किसका ज्यादा है? जिंक 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 का ज्यादा है। फिर ये +1 हो जाएगा, तब 3D10 हो जाएगा, ये 4S1 3D10 रहेगा, तो D10 ज्यादा स्टेबल है S1 से, इसीलिए इसका ज्यादा हो जाएगा। और IE3 किसका ज्यादा होगा? जिंक का यस, क्योंकि ये 3D10 4S0 हो गया, इसीलिए। स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीजें पूछते हैं एग्जाम में, बोर्ड में हाँ, कॉम्पिटिटिव लेवल पे इतना इजी नहीं पूछ सकते। चलो हो गया होगा स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। डन।